क्या आपको मालूम है कि आपको हार्ट अटैक हो और आपको पता भी ना चले? जी हां, अबाउट 40% ऑफ ऑल हार्ट अटैक्स कैन बी साइलेंट इन नेचर। साइलेंट हार्ट अटैक का मतलब हुआ कि कुछ पता ना चले, किसी तरीके का कोई ऐसा सिम्टम, ऐसा लक्षण ना आए जिसको आप हार्ट अटैक से या इन तरह की चीजों से जोड़ के देख सकें। हाई, आई एम डॉक्टर राजेश सिंह, योर वेलनेस स्ट्रेटेजिस्ट, और आज हम लोग बात कर रहे हैं एक बड़ी ही ज्वलंत टॉपिक की, साइलेंट हार्ट अटैक। बहुत लोगों को ये साइलेंट हार्ट अटैक हो रहा है नाउडेज। हमारे एक मित्र हैं जो कार्डियक डॉक्टर हैं केरला में, और उनसे मैं बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि कोविड के पहले तकरीबन उनके अस्पताल में करीब 50 पेशेंट जो है हार्ट अटैक वाले जो है महीने में आते थे। अब वो संख्या, उनका कहना है कि बढ़ के 70-80 प्लस हो चुकी है महीने में। लुक एट द ग्रोथ। और ये सिर्फ उस पर्टिकुलर नंबर से कनेक्टेड नहीं है। आप यदि आप डे टू डे सिचुएशन में देखें, आप टीवी न्यूज़ देखें, आपने व्हाट्सएप में कोई जो वीडियोस आ रहे हैं वो देखें, आपके सोशल मीडिया की बात करें, अपने मित्रों में बात करें, ऑफिस कलीग्स की बात करें, कहीं पे आप जब नज़र दौड़ाएं तो आपको पता चलेगा कि साइलेंट हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। और कब हो रहे हैं? कोई बर्थडे मना रहा है, कोई डांडिया कर रहा है, कोई हनुमान बना हुआ था, कोई कुछ कर रहा था, कोई सिंगर था, कोई गा रहा था, कोई परफॉर्म कर रहा था, कोई जॉगिंग कर रहा था, कहीं ना कहीं उसको वहीं के वहीं कोई तकलीफ होती है। जब तक लोग कुछ समझ पाते हैं उसकी दिक्कत बढ़ जाती है और वो जो है फिर उस दुनिया में ही नहीं होता है। साइलेंट हार्ट अटैक, और ये काफ़ी रैम्पेंट है, एंड मोस्ट ऑफ देम आर लाइव ऑन कैमरा। कैन यू बिलीव दिस? आप रीसेंट कुछ चीज़ों को याद करें, फेमस सिंगर के, आप याद करें कन्नड़ स्टार पुनीत राजकुमार साहब की, टीवी एक्टर्स की बात करें, दीपेश भान की बात करें, सिद्धार्थ शुक्ला की बात करें, राजू श्रीवास्तव साहब की बात करें, फेमस कॉमेडियन, आप उड़िया सिंगर अभी मुरली मोहपात्रा साहब की बात करें, ये सारे लोगों के केस में क्या हो रहा है? लाइव ऑन कैमरा, उनके सामने कोई नॉर्मल चीज हो रही थी, दे वर फिट एंड फाइन। स्टेज पे जाते समय वो नॉर्मल थे, तभी तो स्टेज पे परफॉर्म करने पहुंचे थे, तभी तो वो रामलीला में पहुंचे थे, तभी तो वो डांडिया करने पहुंचे थे, हर चीज़ नॉर्मल था, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं लग रही थी। और रिसेंटली ये केस बहुत बढ़ गया है। ऑफकोर्स डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया है, इसकी वजह से ये ज़्यादा आपको सुनने को भी मिलता है और जल्दी वायरल हो जाता है। बट आप देखें, कुछ यूपी में बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, दिल्ली में केस हुआ है, मुंबई के पालघर के पास पिता पुत्र का एक साथ कुछ चीज़ था, गुजरात के आनंद में कोई केस था। तो ये इस तरीके से ये काफ़ी कॉमन हो चुका, और कोई कुछ भी कर रहा है उस समय ये पर्टिकुलर चीज़ें हो रही है, एंड एवरीवन इज़ लुकिंग फिट एंड फाइन। दैट इज़ व्हाट आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, बिकॉज मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं भी फिट एंड फाइन दिख रहा हूँ, आप भी फिट एंड फाइन दिख रहे हैं, वो भी फिट एंड फाइन दिख रहे हैं। फिट एंड फाइन होना ये कोई पैरामीटर नहीं हो रहा है अभी। तो फिट एंड फाइन और उसमें क्या फ़र्क है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा इसमें डीप डाइव करें और समझने की कोशिश करें, तो एक चीज़ समझ में आएगी कि वन थिंग इज़ कॉमन इन ऑल ऑफ देम, जितनी घटनाएँ हो रही हैं, वन थिंग इज़ कॉमन। और वो कॉमन चीज़ क्या है? तो वो है कि उस समय वो लोग कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे थे। फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी हो सकता है, लो इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी हो सकता है, जैसे डांसिंग हो रहा था, डांडिया हो रहा था, सिंगिंग हो रहा था, बर्थडे में डांस कर रहे थे, कुछ सेलिब्रेट कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, राजू श्रीवास्तव जिम कर रहे थे, ट्रेडमिल पे काम कर रहे थे। तो ये जो पूरी की पूरी चीजें हैं, एक चीज कॉमन आया कि आप उस समय कुछ एक्टिविटी में थे। मतलब साफ है, मतलब ये है कि अभी हमारा शरीर ज्यादा, हम लोगों में से मोस्ट ऑफ देम का शरीर ज्यादा एग्जर्शन नहीं ले पा रहा है। यस, ज्यादा एग्जर्शन नहीं ले पा रहा है। हमारे वही मित्र डॉक्टर बता रहे थे कि उनके पेशेंट से जब वो बातचीत करते हैं तो वही पेशेंट जो उनके पुराने पेशेंट हैं, 10 साल से पुराने पेशेंट हैं, उन पेशेंट को पहले 3-4 किलोमीटर 2 किलोमीटर में कोई दिक्कत नहीं होता था, अभी 300-400 मीटर में वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, थक जाते हैं। मेरे ऑफिस में बहुत सारे लोग हैं जो बताते हैं कि अब 2 फ्लोर चढ़ने में वो थक जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। तो आइए समझते हैं कि क्या इसके कारण हो सकते हैं। मैं आपको 2 कारण बताना चाहता हूं, और 2 मेन कारण इस एंगल से कि आप उस कारणों को अपने बारे में भी झांक के देखने की कोशिश करें। सबसे पहला कारण, कोविड। जैसा कि आपको मालूम है, फेमस लैंसेट रिपोर्ट
ने ये कहा कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में ये हार्ट अटैक की संख्या सबसे ज़्यादा हो रही है, हार्ट डिजीजेस सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। हार्ट डिजीज़ के कितने प्रकार हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, उसकी डिटेल में आज की वीडियो में नहीं जाते। आज हम सिर्फ बात कर रहे हैं साइलेंट हार्ट अटैक की। कोविड के बाद ये संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों। तीन चीज़ों की बात करें, कोविड के बाद क्या हुआ। कोविड के बाद जो लैंसेट रिपोर्ट कहती है उसके हिसाब से पहली चीज जो हुई वो ब्लड क्लॉटिंग आपकी बढ़ गई। हर एक व्यक्ति जो माइल्ड कोविड से ग्रसित था, पूरी तरीके से कोविड से ग्रसित था, सीरियस था या फिर एसिम्प्टोमेटिक था, उसको पता ही नहीं कि उसको कोविड हुआ था या नहीं हुआ था। कोई भी आदमी, मैं फिर से रिपीट करता हूं, कोविड एसिम्प्टोमेटिक था तो भी, माइल्ड सिम्टम्स थे तो भी, या फुल कोविड में ग्रस्त रहा था तो भी, उसके पास ब्लड क्लॉटिंग की मात्रा, उसका पैमाना बढ़ गया है। इसका मतलब क्या हुआ, हार्ट का फंक्शनिंग उसका अफेक्ट हुआ है। एक पॉइंट हुआ। दूसरी पॉइंट की बात करते हैं, ब्लड थिकनिंग, रक्त का मोटा हो जाना, गाढ़ा हो जाना, ये चीज पोस्ट कोविड हुई है, ये साइंस कह रहा है, ये रिपोर्ट्स कह रहे हैं। और यदि ब्लड का थिकनिंग हो जाए, रक्त गाढ़ा हो जाए आपका, तो क्या होगा, तो ये जो है आपकी धमनियों में सूजन पैदा करेगा, इट विल लीड इन्फ्लेमेशन इन योर आर्टरीज। तो दो चीजें हमने जमा की, क्लॉटिंग से आपका हार्ट का फंक्शनिंग अफेक्ट हुआ, थिकनिंग से, रक्त गाढ़ा हो जाने से आपका जो है आर्टरी में इन्फ्लेमेशन हुआ। अब तीसरी चीज को भी समझते हैं, तीसरी चीज है आपका लंग। पूरे कोविड में जब आप सीटी स्कोर कराते थे, वो करते थे, कहां पे प्रॉब्लम हो रहा था, लंग में प्रॉब्लम हो रहा था। और लंग की यदि कैपेसिटी कम हो गई तो पूरा का पूरा लोड जो है हार्ट पे आ रहा है, और हार्ट को पहले से कहीं ज्यादा लोड लेना पड़ रहा है। और यदि तीन चीजों की आप बात करें तो ये एक ऐसा कारण है कि पोस्ट कोविड ये हार्ट अटैक की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब एक और कारण की मैं बात करूंगा, मैंने दो कारण की बात की थी, पहला तो था कोविड, दूसरा जो कारण है वो है स्ट्रेस और टेंशन। इसका भी कुछ हद तक तो कोविड से कनेक्शन है, बिकॉज सब लोगों की नौकरी, सब लोगों का बिजनेस, सब लोगों की बातें, फर्क तो बहुत पड़ा। बट उसके अलावा आज के डेट में कौन सा आदमी ऐसा मिले आपको जो तनाव में नहीं है, जो स्ट्रेस में नहीं है। और स्ट्रेस अब नॉर्मल हो गया, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आया, WFH जिसको हमने कहा, वर्क फ्रॉम होम ने क्या किया, ड्यूरेशन आपके काम का बढ़ा दिया। आपका लैपटॉप, आपका फोन, आपका सोशल मीडिया, आपका ज्यादा एक्सपेक्टेशंस, आपकी लाइफ का रैट रेस, ये सारा कुछ आपके वर्क आवर्स को लंबा कर दिया, बढ़ा दिया, और आपने तनाव लेना शुरू किया और तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। अध्ययन और स्टडी ये बताते हैं कि अबाउट 75% ऑफ द पॉपुलेशन, जी हां 75%, तीन चौथाई की बात मैं कर रहा हूं, पॉपुलेशन इज लिविंग इन स्ट्रेस, तनाव में इतना पॉपुलेशन जी रहा है। अब इतने लोग जब तनाव में जी रहे हैं तो एक चौथाई को छोड़ के बाकी सब लोग तनाव में, और ये तनाव क्या कर रहा है, तो आपके रक्त ब्लड कार्पल्स, जिसको व्हाइट ब्लड कार्पल्स कहते हैं, सफेद रक्त कण, उसकी जो प्रोडक्शन है उसको एबनॉर्मली बहुत तेज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। और जब उसका एबनॉर्मली प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होने लगता है तो वो क्या करता है, वो ब्लड क्लॉटिंग को बढ़ावा देता है, और ब्लड क्लॉटिंग आपके हार्ट अटैक के रिस्क को कई गुना बढ़ा देता है। तो दो कारण मैंने आपको बताए, कोविड और स्ट्रेस, और परहैप्स हम सब, आप मैं, ये सारे मिलके इस कारण में कहीं ना कहीं शामिल हैं, क्योंकि हमें कोविड हुआ था नहीं हुआ था हमें पता नहीं, माइल्ड हुआ था एसिम्प्टोमेटिक हुआ था हमें पता नहीं, और तनाव में नहीं है ये तो कह ही नहीं सकते। आइए अब बात करते हैं सिम्टम्स की, लक्षण की बात करते हैं। कारण तो हमने समझ लिया, अब लक्षण की बात करते हैं। 45% ऑफ हार्ट अटैक केसेस कैन बी साइलेंट, दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड इन द बिगनिंग ऑफ दिस वीडियो। 45% केसेस साइलेंट हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन हार्ट एसोसिएशन, 17 लाख डेथ जो हैं हार्ट अटैक से भारत में हर साल होते हैं, और इसमें से करीब 8 लाख को बचाया जा सकता है यदि सही समय पे लक्षणों का पता चल जाए कि ये हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 45% जो साइलेंट हार्ट अटैक्स हो रहे हैं उनको लक्षण ही पता नहीं है, वो लक्षणों को पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि ये हार्ट अटैक हो रहा है मुझे।
या उनके परिजन या उनके मित्र आसपास वाले भी नहीं पहचान पा रहे हैं कि ये हार्ट अटैक है। आप देखिए वो रामलीला में हनुमान का या किसी का या सिंगर का या किसी का, तब तक लोग नहीं पहचान पा रहे हैं कि ये हार्ट अटैक हुआ है। यदि हार्ट अटैक को सही समय पर पहचान लिया जाए और वहीं पे यदि तुरंत पीसीआर दिया जाए, तुरंत यदि मेडिकल इमरजेंसी दी जाए, उनको हॉस्पिटलाइजेशन दिया जाए, तो ये बहुत कुछ हो सकता है। तो लक्षण की बहरहाल बात करते हैं। तो कुछ लक्षण मैं आपको बुलेट पॉइंट में बताऊं तो सबसे पहला लक्षण तो मैं ये कहूंगा कि वो जमाना गया जब हिंदी फिल्मों में या कोई धारावाहिक में आप देखते थे कि हार्ट अटैक हुआ मतलब एक्टर जो है पकड़ के छाती दर्द से कराह रहा है और वो गिर पड़ा। जी हाँ, वो होता था, लेकिन वही होगा ये नहीं हो, यही ये करेक्ट नहीं है। तो क्या हो रहा है, हमें लक्षणों को उसके बियॉन्ड जाके देखना पड़ेगा। तो जो पहला लक्षण मैं बताना चाहता हूं वो है मन का अशांत होना, चक्कर आना, स्वेटिंग होना, पसीने आना। इस तरीके के लक्षण यदि आपको हो रहे हैं, बहुत ज्यादा क्रॉनिक एसिडिटी या एसिड रिफ्लक्स जैसा फीलिंग हो रहा है, आपकी बॉडी खुद कहेगी कि आपका मन अशांत है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो उसको आप लाइटली ना लें, उसको नोटिस करें, एक चीज लक्षण। दूसरी लक्षण है चेस्ट में पेन, चेस्ट में तेज पेन, और पेन ही नहीं रेस्टलेसनेस, बहुत ज्यादा बेचैनी के साथ पेन, तो ये एक दूसरा लक्षण हुआ। तीसरा लक्षण जो है वो है आपके जॉ में, ये जो जबड़े हैं उसमें आपका पेन होना, और अच्छा खासा पेन होना, पेन जो है गर्दन के पास होना, पीठ की तरफ होना, कभी कभी पेट के हिस्से में पेन होने लगना। अब ये इसलिए कि आपके हार्ट के जो पास से आए हुए जो नर्व्स हैं वो कहीं ना कहीं इन चीजों से कनेक्टेड हैं, और इसलिए यहाँ पे आपके कुछ सिम्टम्स देखने को मिले। तो ये एक दर्द है, तो आप इसको दूसरे तरीके से लें। और यदि ये कुछ में से कोई भी सिम्टम हो रहा है तो ये हार्ट अटैक हो सकता है, साइलेंट हार्ट अटैक हो सकता है। और यदि ऐसा है तो यदि आपको सिम्टम्स पता है तो आप जो है तुरंत मदद ले सकते हैं। सिम्टम्स यदि आपको पता है तो आपके बगल में जिसको किसी को हो रहा है, आजू बाजू में, ऑफिस में, घर में, सोशल प्लेस में, तो आप उसको तुरंत नोटिस कर सकते हैं। जैसा एक हमने देखा था कोई वीडियो कि कोल्हापुर में कोई एक डॉक्टर थे जिनके सामने पेशेंट बैठा हुआ था, वो प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे थे और उन्होंने नोटिस किया कि पेशेंट को हार्ट अटैक आया और उन्होंने तुरंत जाके पीसीआर दिया और पीसीआर देने से पेशेंट बच गया। तो पीसीआर देके पेशेंट को बचाया जा सकता है। और इतना ही नहीं, आप जो है उन लक्षणों को यदि टाइम पे महसूस करें तो सही समय पे मेडिकल हेल्प ले सकते हैं, एडमिट हो सकते हैं, मेडिकल हॉस्पिटलाइजेशन हो सकती है आपके परिजनों के द्वारा, किसी को आप मदद कर सकते हैं और लाइफ बच सकते हैं। तो ये तो ही लक्षण की बात। अब बात करते हैं कि तो क्या करें, व्हाट टू डू, हाउ टू प्रिवेंट, एंड ऑल वी नो दैट प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, एंड इन दिस केस इट इज ओनली प्रिवेंशन, बिकॉज जब हुआ तब तो उसके बाद कोई वक्त ही नहीं है, पता ही नहीं चला कि क्या हुआ, और तब तक तो कोई व्यक्ति रहा ही नहीं दुनिया में। तो प्रिवेंशन इज द ओनली वे। तो कैसे प्रिवेंट करें, मैं आपको बताने जा रहा हूं 5 सॉलिड टिप्स जिससे कि आप इस तरीके के हार्ट अटैक को प्रिवेंट कर सकते हैं काफी हद तक। एक एक करके बात करते हैं 5 टिप्स की। सबसे पहला टिप जो मैं बताऊंगा वो कहूंगा कि लिसन टू योर बॉडी सिग्नल्स, अपने बॉडी को सुने, उसकी आवाज को सुने। शरीर संकेत देता है, आप जब कार चलाते होते हैं तो कार संकेत देता है, आपकी कितनी भी मॉडर्न कार हो, कितनी भी पुरानी कार हो, सिम्टम्स देती है, उसका डैशबोर्ड है वहां पे, उस पे स्पीडोमीटर के अगल बगल इंजन हीट हो गया, सिम्टम देता है इंजन हीट हो गई, टायर में प्रेशर कम है, सिग्नल देता है, हर चीज का वो सिम्टम सिग्नल दे रहा है। आपका ल्यूब में प्रॉब्लम है तो इंजन आयल, चेक इंजन आयल कह रहा है, वो कह रहा है, जिसको आप सुन भी रहे हैं समझ भी रहे हैं। लेकिन देखिए बॉडी भी कुछ ना कुछ कह रहा है, सुबह से शाम तक कह रहा है, पूरे सप्ताह पूरे महीने बॉडी कुछ कह रहा है, आप हम क्या उसको सुन रहे हैं, उतनी ध्यान से सुन रहे हैं क्या? माई पॉइंट इज इफ वी लिसन द बॉडी सिग्नल्स, बॉडी सिग्नल देता है, और हर चीज के पहले सिग्नल देता है, सिग्नल देता है। अब ये एक बात है कि या तो हम सिग्नल को रीड करें और उसको इग्नोर कर दें, या फिर हम इतना व्यस्त हैं या हमारे पास इतने इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि हम उस बॉडी सिग्नल को रीड ही नहीं कर पा रहे हैं। बॉडी सिग्नल तो दे रहा है लेकिन हम रीड ही नहीं कर पा रहे हैं। तो पहला, बॉडी सिग्नल को रीड करें, वो बिल्कुल आपको सिग्नल देगा। और यदि वो सिग्नल दे रहा है कि डोंट गो फॉर जॉगिंग, डोंट परफॉर्म, डोंट परफॉर्म। दूसरा पॉइंट, अपने हार्ट को जरूरत से ज्यादा प्रेशराइज ना करें,
हार्ट पे, दिल पे जरूरत से ज्यादा दबाव ना दें, जरूरत से ज्यादा। इसका मतलब यह हुआ कि आप हाई इंपैक्ट जो वर्कआउट्स हैं उसको अवॉइड करें, स्ट्रेनियस वर्क को अवॉइड करें, या स्ट्रेनियस लॉन्ग ड्यूरेशन एक्सरसाइज जो आपके होते हैं, जो आजकल डोले शोले बनाने के लिए, बॉडी शॉडी बनाने के लिए, लाइमलाइट में रहने के लिए आपका बॉडी सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन आप फिर भी उतने घंटे कर रहे हैं, उतने आवर्स कर रहे हैं, यदि वो सब कर रहे हैं तो ये आपके दिल पे जरूरत से ज्यादा दबाव दे रहा है, तो इसको ना करें। दो चीजें हुई, स्पेशली पोस्ट कोविड ना करें। और हाउ डू यू नो कि आपको कोविड हुआ था कि नहीं हुआ था? तो मैंने जैसा कहा कि इस दो चीजों को, तो पहला दूसरा हमने लिया, अब तीसरी चीज की बात करते हैं। तीसरा चीज है कि आप अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप कराएं। बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। सबसे पहली बात है कि आपने ब्लड प्रेशर को चेक कराएं। हर तीन में से एक आदमी, हर तीन में से एक भारतीय को ब्लड प्रेशर है, और मोस्ट ऑफ देम डू नॉट नो इट कि उनको है। ये भारत सरकार का डेटा है, ये WHO का डेटा है। तीन में से एक आदमी, समझिए, यहां हम तीन लोग बैठे हों तो उसमें से एक आदमी को ब्लड प्रेशर है और उसको पता नहीं है। तो बहुत सिंपल है, आप अपने ब्लड प्रेशर को जरूर नापें, जरूर चेक करें। 15 दिन में एक बार करें, महीने में एक बार करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस पर नजर रखें। एक बात है। दूसरी बात है कि आप अपने लिपिड प्रोफाइल को चेक करें, साल में एक बार तो जरूर करें। और यदि आपका फैमिली हिस्ट्री है, यदि आप ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं, यदि कुछ इस तरीके के सिम्टम्स हैं, तो आप साल में दो बार करें। और जब लिपिड प्रोफाइल की बात करें तो आप कोलेस्ट्रॉल की बात करें, आप LDL HDL की बात करें, आपका हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो कम तो नहीं हो गया, जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल है जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन LDL कहते हैं वो कहीं बढ़ तो नहीं गया, आपका होमोसिस्टीन, आपका ट्राइग्लिसराइड, आपकी पूरी लिपिड प्रोफाइल को आप चेक करें। साथ में आप कार्डियक रिस्क मार्कर्स को चेक कर सकते हैं, और एक सिंपल ब्लड टेस्ट देके बहुत ही किफायती तरीके से आप ये सारा कुछ चेक कर सकते हैं और आप अपनी चीजों को जान सकते हैं। इसके अलावा चौथा पॉइंट जो मैं बताऊंगा वो है हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने का। अब ये एक वाइड टर्म है हेल्दी लाइफस्टाइल, बट हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना ही पड़ेगा, यही एक वे है प्रिवेंशन का। और हेल्दी लाइफस्टाइल में जो सबसे पहली चीज आती है वो आती है रेगुलर एक्सरसाइज। पहले पॉइंट में मैंने कहा था कि आप जो है जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज ना करें, अब मैं कह रहा हूं कि नियमित एक्सरसाइज जरूरी है। आपका 20-30 मिनट का एक्सरसाइज, 40 मिनट का एक्सरसाइज मैंडेटरी है, उसको स्किप ना करें। तो नियमित एक्सरसाइज हुआ, हार्ट हेल्दी डाइट फॉलो करें। आप जो डाइट लें वो हार्ट हेल्दी होनी चाहिए, और वो आप उस पे किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज ना करें, क्योंकि वो बड़ा चूक हो जाएगा, वो बड़ा चूक होगा, उसका ध्यान रखें। एक और चीज़ जो करनी चाहिए आपको वो गुड स्लीप है। बहुत लोग आज की डेट में, जो लोग वेब सीरीज के दीवाने हैं, जो लोग एंटरटेनमेंट के दीवाने हैं, नाइट लाइफ है, बहुत हेक्टिक शेड्यूल है, बहुत ट्रैवल्स हैं, बहुत सारा कुछ है, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो अपनी स्लीप का ही सबसे ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। और जितना ज़्यादा स्लीप आपका कम होगा उतना ज़्यादा बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा। इफ़ यू आर स्लीप डिप्राइव्ड, यू आर गेटिंग इन्फ्लेमेटेड, इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है, और आपका हार्ट अटैक का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और एक और चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो ये कि कहीं आप स्मोकर हैं तो स्मोकिंग बंद कर देनी चाहिए। नो स्मोकिंग, स्पेशली आप स्मोकर हैं और आप कोविड से गुजरे हैं, डेडली कॉम्बिनेशन है। लैंसेट रिपोर्ट कहती है प्लीज प्लीज स्टॉप स्मोकिंग। अब कुछ लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने बॉस के कर्टसी में, अपने फ्रेंड्स के कर्टसी में, ऑफिस के ब्रेक्स में, वो जो है स्मोकर्स के आसपास होते हैं और वो पैसिव स्मोकिंग कर रहे होते हैं, और वो उससे ज्यादा खतरनाक कभी कभी हो जाता है। तो एक्टिव स्मोकिंग या पैसिव स्मोकिंग को आप ना करें, ये चौथा नंबर पॉइंट मैंने बताया कि हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें। और पांचवा पॉइंट मैं जो आपको बताऊंगा वो ये है कि अपने वजन को कंट्रोल में रखें, कीप योर वेट इन चेक। अपने BMI का ध्यान रखें, अपने वेस्ट सर्कमफेरेंस का ध्यान रखें, जिसको आप कमर कहते हैं, कहीं कमर है या कमरा हो गया है उसका ध्यान रखें। तो ये जो है पांच मैंने पॉइंटर्स आपको बताए जो कि आप टिप्स के तौर पर ले सकते हैं, जिससे कि आप हार्ट अटैक से, इस तरीके के साइलेंट हार्ट अटैक से बच सकते हैं। पहला, रिपीट कर दूं, पहला टिप जो मैंने बताया वो कहा कि आप अपने बॉडी की सुने, लिसन टू योर बॉडी सिग्नल्स।
दूसरी चीज जो मैंने बताई कि अपने हार्ट पे जरूरत से ज्यादा दबाव ना दें, स्ट्रेनियस वर्कआउट ना करें, क्या बोलते उसको, हाई इंपैक्ट एक्सरसाइज आजकल कहते हैं वो ना करें। तीसरी चीज, आप जो है रेगुलर हेल्थ चेकअप कराएं, कार्डियक रिस्क मार्कर्स, आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका लिपिड प्रोफाइल, आपका ब्लड प्रेशर, हर चीज का ध्यान रखें। चौथी चीज, आप हेल्दी हैबिट करें, आपकी डाइट, आपकी लाइफस्टाइल, क्या बोलते हैं उसको, स्लीप, इन सारी चीजों का ख्याल रखें। आप सप्लीमेंट ले सकते हैं और जो है एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा, प्रचुर मात्रा आप अपने पास रखें, आपका फ्री रेडिकल्स जो बन रहा है उसको कम करने की कोशिश करें। आप बहुत कुछ सप्लीमेंट्स में ले सकते हैं, आप बेरी जूसेस ले सकते हैं, आप नूनी जैसी चीजें ले सकते हैं, आप हल्दी का सेवन कर सकते हैं, टर्मरिक कर्क्यूमिन का, आप अदरक ले सकते हैं, आप आंवला ले सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं जो आपके लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करेंगे और जो है आपको एंटी ऑक्सीडेंट के तौर पर भी बहुत अच्छा मदद करेंगे। ग्रीन टी आप ले सकते हैं। और पांचवा नंबर पॉइंट जो मैंने बताया कि आप अपने BMI का, अपने कमर के घेरे का, इसका ख्याल रखें और अपने वजन को कंट्रोल में रखें। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हम बात कर रहे थे साइलेंट हार्ट अटैक की, और जिसमें मैंने आपको बताया उसके कारण, उसके लक्षण, और मैंने आपको बताया 5 बेहतरीन टिप, सुपर टिप, जिसको अपना के आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप जो है इस तरीके के साइलेंट हार्ट अटैक के शिकार ना हो, या आपका फैमिली, आपका मित्र, आपका फ्रेंड इसका शिकार ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।